आज मैंने पाकिस्तान की नई नस्ल को 22 करोड़ आवाम को दिखा दिया कि दीवारों के पीछे क्या होता है, ये होता है दीवारों के पीछे। मैं सोचती थी कि नवाज शरीफ के बयानिया के बारे में बड़ी बात होती थी ना कि बयानिया ठीक है, बयानिया गलत है। मैं सोचती थी कि कभी वो वक्त आएगा जब नवाज शरीफ के बयानिए को अल्लाह ताला सुरखरू करेगा, शायद तारीख करेगी। यकीन माने मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नवाज शरीफ का बयानिया इतनी जल्दी अल्लाह ताला उसको सुरखरू कर देगा। 70 साल के बाद आज सबूत मिला है कि इस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत को किस तरह तार तार किया जाता है। क्या मुंतखब नुमाइंदों का और खुसूसन नवाज शरीफ का कसूर यह है कि उन्होंने किसी और का नुमाइंदा बनने की बजाय आवाम का नुमाइंदा बनने की को तरजीह दी? क्या इंसाफ ये है कि किसी जज की बदआमालियों की सजा कोई बेकसूर भुगते? क्या इंसाफ ये है कि 3 मरतबा का वजीर आजम पाकिस्तान के आवाम के वोट से आया हुआ वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड वजीर आजम इस वजह से जेल में डाल दिया जाए कि मुसन्निफ की कुछ कमजोरियां किसी के हाथ में थी? और इससे मुनसिफ की कमजोरियां किसी और के हाथ में थी? इसमें अकेले नवाज शरीफ का नुकसान नहीं है, इसमें 22 करोड़ आवाम और हमारे सबके मुल्क के पाकिस्तान का नुकसान है। इस नुकसान का अंदाजा कौन करेगा? आज जो पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि आवाम की राय हमेशा वापस पलट के आती है और पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ वापस आती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है एक हस्ता बस्ता मुल्क जो है ना वो उजड़ जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है तब तक। और कब तक सियासतदानों को ये फिल्में दिखा दिखा के, ये वीडियोस दिखा दिखा के, ये कमजोरियां दिखा दिखा के ब्लैकमेल किया जाता रहेगा? मैं पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के आगे ये सवाल आज रखना चाहती हूँ। आज भी इतनी आपने उसके साथ जुल्म और ज्यादती की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान था वो, आपने उसको मोदी का यार गद्दार, आपने यहां तक के गद्दार कह दिया, आपने उसके ऊपर मजहब के फतवे लगवाए। कहां है आज वो मजहब के फतवे लगाने वाले? उनको आपने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया और इमरान खान की हुकूमत आई तो उसी फतवे लगाने वाले को जेल में खा के बंद कर दिया। आपको एक सच्चे मुसलमान के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? आपको हया नहीं आई उसमें कि आप कभी उसको गद्दार कहते? और जिसको आपने मोदी का यार गद्दार कहा, उसी वो इतना इज्जत वाला वजीर आजम था पाकिस्तान का कि ना सिर्फ वाजपेयी बल्कि मोदी चल के उसके घर आपके मुल्क की सरजमीन पर आया, और आज आप उसको फोन करते हैं वो आपका फोन नहीं सुनता, वो आपसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान की औकात क्या है, सब जानते हैं। और आज भी इतनी साजिशें की ना नवाज शरीफ के खिलाफ, पैनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका दूध का दूध दाज पानी का पानी हो गया। आज भी नवाज शरीफ को निकालें कोर्ट लगकर जेल से बाहर और देखें कि किस तरह खलके खुदा उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाएगी। सैलाब आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह, आवामी राय उसके साथ यूं खड़ी है। और यकीन माने मैं इसके तवस्त से, आपके तवस्त से आज पाकिस्तान उसमें भी नून का नहीं, हर उस शख्स का जो नवाज शरीफ के खिलाफ इतने जहरीले प्रोपेगेंडा के बावजूद उसके साथ खड़ा रहा, मैं उस हर शख्स को सलाम पेश करती हूं। आज भी आप जरा नवाज शरीफ को निकालें जेल से बाहर, आपको लग पता जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी। और ये आप सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं, इस बात ने, अवाम की ताकत ने, अल्लाह ताला की ताकत ने और हक और सच की ताकत ने नवाज शरीफ को आज ये हौसला दिया कि वो लड़ गया इससे, वो खड़ा हो गया, उसने कहा मैं बर्दाश्त करूंगा। आप क्या का क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ को अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ भी क्या साजिश हो रही है?